हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा आपको पता है, यूपी ट्रिपलएससी का पैट का एग्ज़ाम होने वाला है 28 और 29 अक्टूबर को। तो स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर पैट की भी सीरीज चला दो, जैसे आपने वीडियो की टारगेट सीरीज चलाई थी। तो मैंने 40 दिन की सोची है कि 40 दिन की टारगेट सीरीज मैं चलाऊँ पैट की, यूपी ट्रिपलएससी पैट की। और उसमें मैं देखो, टारगेट सीरीज़ का क्या मतलब होता है, टारगेट सीरीज़ का मतलब होता है मैं आपको टास्क दूंगा और वो आपको ईमानदारी और मेहनत, मक्कारी बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप चाहते हो कि मैं मेंस में बैठूं, क्योंकि देखो यूपी ट्रिपलएससी से जितनी वैकेंसी निकलेंगी वो पैट से ही निकलेंगी ज़्यादातर, ठीक है ना। और कुछ जो स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है, यार पैट से क्या होगा, तो एक दो चीज़ें मैं आपको बता दूँ। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो जैसे आपको यूपी ट्रिपलएससी से सिलेक्शन जॉब लेनी है, तो जैसे यूपी ट्रिपलएससी प्रोसेस करता है वैसे ही आपको एग्ज़ाम देने, वैसे ही आपको सिलेक्शन लेना पड़ेगा। पैट में स्कोर क्यों इम्पोर्टेंट है मैं आपको अभी बताऊं कि क्योंकि मेंस की जो कट ऑफ जाती है वो पैट के स्कोर के आधार पर जाती है। जहां आपके 70 नंबर हैं और जहां आपके 80 नंबर हैं, उसमें काफ़ी डिफरेंस रहता है, काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। जब आपके 80 नंबर हैं, परसेंटाइल आपकी हाई हो जाएगी, तो काफ़ी चांसेस हैं कि आप मेंस में बैठ जाएं। एक दो चीज़ें दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि पैट के स्कोर से क्या फ़र्क पड़ेगा और पैट क्यों दूं मैं, बार बार पैट क्यों दूं। देखो, यूपी ट्रिपलएससी से जॉब लेनी है तो आपको पैट देना पड़ेगा, ठीक। दूसरी चीज़, 40 दिन लगातार रहना साथ। ऐसा बात नहीं है कि आपको जो आज है वही, अगर आपने मेरी सीरीज़ फॉलो करी हो, 40 दिन बाद भी आपकी प्रिपरेशन वही होगी, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। 40 दिन बाद आप खुद ही देखोगे कि आप में कितना डिफरेंस आ गया, आपकी प्रिपरेशन में कितना डिफरेंस आ गया। लगातार मेहनत करनी है। जितने टॉपिक्स हैं, जो यूपी ट्रिपलएससी का सिलेबस जो 21 का है, वो 22 का है, वही 23 का है, सेम ही सिलेबस है, कोई चेंज नहीं है। आप खुद ही रियलाइज़ करोगे कि आपकी प्रिपरेशन पहले कैसी थी 40 दिन पहले और 40 दिन बाद प्रिपरेशन कैसी हो गई। टारगेट यही करना कि 75 से 80 के बीच आपके नंबर आ जाए, ठीक। जो परसेंटाइल 98, 97, 98, 99, यहाँ तक तो परसेंटाइल रहनी चाहिए आपकी। आप अगर 2-4 साल की तैयारी के बाद भी 50, 55, 60 नंबर ला रहे हैं पैट में, तो ये थोड़ा आपके लिए सोचने वाली बात है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं और कहाँ बार बार गलतियाँ हो रही हैं, ठीक। 65-70 नंबर से आगे ही बढ़ना है आपको, पीछे नहीं हटना। 70-75 आपको आने ही चाहिए हर कीमत पर। ईमानदारी दिखाना, टारगेट जो भी मैं दूं वो पूरे करने, ईमानदारी के साथ पूरे करने। एक एक टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है। देखो, छोड़ने के लिए कुछ नहीं है, मैं कभी नहीं कहता कि ये छोड़ के चले जाओ, वो छोड़ के चले जाओ। अगर हिस्ट्री 5 नंबर की आ रही है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये हिस्ट्री पढ़ लो, सारी पढ़नी पड़ेगी जब आपके 5 नंबर पूरे श्योर होंगे। पॉलिटी 5 नंबर की आ रही है, मैंने एक वीडियो बनाया था कि किसकी वेटेज, सब्जेक्ट की वेटेज कितनी है, तो वो 5 नंबर की आ रही है। ऐसी बात नहीं है कि पॉलिटी कितनी पढ़ी जाए, पूरी पढ़नी पड़ेगी आपको। गद्यांश 10 नंबर का आएगा हिंदी का और 20 नंबर की DI। 30 नंबर ऐसे हैं जो फ्री के, और वो आपको 30 के 30 सही करने पड़ेंगे अगर आपको स्कोर ले जाना है 75 के बाद, ठीक। आज से टारगेट सीरीज शुरू करता हूँ। और मैं जो भी टारगेट देता हूँ उसका जो नोट्स हैं, वो अपने टेलीग्राम चैनल 200 out of 200, वहाँ भी जुड़ जाइए, वहाँ मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। यूपी ट्रिपलएससी के जितने भी पैट के पेपर हैं वो मैंने अपलोड कर दिए हैं, यूपी ट्रिपलएससी के सारे पेपर अपलोड कर दिए गए। प्रीवियस ईयर पहले भगवान थे, अब हैं, आगे भी रहेंगे। बिना प्रीवियस ईयर पेपर लगाए एग्ज़ाम में मत चले जाना, ठीक। अगर मैं बात करूँ, 21 की हुई थी, 2-4 शिफ्ट हुई थी। DI एक कुछ, DI जो आती है एक पेपर में आती है 20 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन 21 के, 80 क्वेश्चन 22 के। 160 DI आपको लगानी है, मस्ट है लगानी। 160 क्वेश्चन आपके बनने चाहिए, ठीक। अब मैं बात करूं टारगेट का, आपको क्या टारगेट कर, जो आपको टारगेट पूरा करना है, वही पैटर्न फॉलो करूंगा मैं। 6 दिन आपको पढ़ना है अच्छे से, 7वें दिन आपको रिवीजन करना है, ठीक। 40 दिन तक ये सीरीज चलने वाली है। 40 दिन के बाद आपको लगेगा कि आपकी तैयारी कैसी थी। जब मैंने वीडियो की सीरीज चलाई, टारगेट सीरीज, ऐसी बात नहीं थी कि स्टूडेंट के नंबर इंक्रीज नहीं हुए। जहाँ 150-160 नंबर आ रहे थे, वहाँ 190-200 भी पार गए, 210-212 भी गए नंबर, ठीक। सारी आपकी मेहनत का खेल है। मैं तो बस आपको बताऊंगा कि ये पढ़ना है, पढ़ना आपको पड़ेगा जितना आप पढ़ सकते हो। 40 दिन है आपके पास, 40-45 दिन है। कोर्स की मैंने पहले भी बोला था, अब भी बोलूँगा,
कोर्स की कोई नीड नहीं है, अपनी सेल्फ प्रिपरेशन पे बिलीव रखो, ठीक। और आज के टास्क के बारे में बात करता हूँ। पहले चालू करते हैं हिस्ट्री, हिस्ट्री से शुरू से चालू करते हैं। आपको पढ़ना है आज सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक। जब सिंधु घाटी सभ्यता आपको पढ़नी है, पहले सब्जेक्टिव फिर ऑब्जेक्टिव। पॉलिटी में पढ़ना है भारतीय संविधान, संविधान सभा की बैठक कब हुई और कितने मेंबर्स थे, अध्यक्ष कौन था, ये सब आपको पढ़ना है। जो पहली क्लास होती है संविधान सभा की बैठक, वो आपको अच्छे से पढ़नी है। हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई। हिंदी की बात करूँ, आप जितने विलोम शब्द हैं वो एक क्वेश्चन आता ही आता है विलोम का। हो सकता है गद्यांश में से भी दो गद्यांश आएंगे पाँच पाँच नंबर के, तो एक एक क्वेश्चन विलोम का भी उसमें पूछा जाता है, तो टोटल तीन क्वेश्चन आ गए विलोम के, ठीक है ना। तो ऐसे आपको टारगेट करना है कि कौन सी वेटेज ज़्यादा है, तो विलोम शब्द आपको पढ़ने हैं। ऐसे ही पर्यायवाची के साथ होता है, गद्यांश में पर्यायवाची भी पूछे जाते हैं, तो आपको विलोम शब्द पढ़ना है हिंदी में। और मैं बात करूँ स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके में पढ़ना है आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये आपको एक क्वेश्चन पक्का मिलने वाला है, दिवस का तो हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। यूपी ट्रिपल एससी का मैं वीडियो की बात करूँ, मैंने वहाँ भी बोला था दिवस का क्वेश्चन आएगा, वहाँ भी आया था। मैं यहाँ भी बोल रहा हूँ दिवस का क्वेश्चन आएगा और यहाँ भी आएगा, ठीक है ना। दिवस का क्वेश्चन तो ये फिक्स रहता है कि कौन सा दिवस कब बनाया जाता है, ठीक। और एक गद्यांश आप लगाना चाहते हो तो लगा लेना, गद्यांश भी 10 नंबर का है। तो आपकी समझ आ गई होगी आज क्या पढ़ना है। मैं सारे नोट्स मेरा टेलीग्राम चैनल है 200 out of 200, वहाँ मैं अपलोड कर दूँगा, वहाँ से आपको कलेक्ट कर लेने हैं, वहाँ से पढ़ने हैं। मेहनत करनी है। देखो ईमानदारी से बात करूँ तो मेरी वीडियो इसलिए देख रहे हो क्योंकि आज आपके पास नौकरी नहीं है। अगर आपके पास नौकरी होती तो मेरी वीडियो नहीं देख रहे होते। हो सकता है कोई 3 साल से स्ट्रगल कर रहा हो, कोई 4 साल से स्ट्रगल कर रहा हो, कोई 5 साल से स्ट्रगल कर रहा हो। तो अब आपके पास अगर टाइम है तो उसको यूटिलाइज़ करो, जितनी मेहनत हो सकती है कर लो। यूपी ट्रिपल एससी पैट से जॉब देता है, तो पैट में अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे आपको, जब जॉब आपको मिल पाएगी। फिर आप रह जाते हो कि एक नंबर रह गया, दो नंबर रह गया, भैया मेरा दो नंबर से रह गया, मेरा एक नंबर से रह गया, वो बहुत तकलीफ़ देता है। तो अच्छे से पढ़ो, 75 से 80 का टारगेट रखना। और जैसे यूपी ट्रिपल एससी जॉब देता है वैसे जॉब लेनी है हमें, मेहनत करनी है, ईमानदारी से करनी है। कमेंट सेक्शन मेरा भर देना कि भैया मैं पहले दिन से 40वें दिन तक आपके साथ हूँ। और आप अगर साथ रहोगे तो आपको ही रियलाइज़ होगा कि आप में क्या डिफरेंस आया, ठीक है, प्रिपरेशन में। मैं अपने यूपी ट्रिपल एससी के पैट के नंबर की बात करूँ तो मेरे 78 थे 2021 में मैं दिया था। और 2021 में क्या हुआ था, CGL का भी चल रहा था, मेरा फाइनल रिजल्ट पेंडिंग था। पेंडिंग क्या था, कोर्ट केस चल रहा था उसमें, तो उसकी वजह से पेंडिंग था। लेकिन मुझे पता था वहाँ मेरा सिलेक्शन होगा, इसलिए मैंने करंट सारी स्किप कर दी, जिससे करंट के सारे मार्क्स मेरे चले गए। वो चीज़ अलग है, करंट भी आपको पढ़नी है, 10 नंबर हैं, करंट अच्छे से पढ़ के जानिए। मैं सारा 40 दिन में आपको सारा सिलेबस कराने वाला हूँ, मैंने सिलेबस भी सेंड कर दिया। वहाँ एक एक टॉपिक है और उसी टॉपिक से क्वेश्चन आने हैं, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने। अगर आप 3 साल 4 साल की मेहनत करके ये मेरे से बोलोगे कि भैया मेरे 50 नंबर बनने हैं, 55 नंबर बनने हैं, तो भाई साहब आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है ना। पैट का एग्ज़ाम तो बेसिक सा एग्ज़ाम है, बहुत बेसिक सी चीज़ें पूछी जाती हैं कि ये चीज़ें ही पूछी जानी है, उससे बाहर कहीं नहीं जानी। 20 नंबर का आपका DI है, 10 नंबर का गद्यांश, 5 नंबर का पैसेज है। उसके लिए मैं नीतू सिंह की Volume 2 सेंड कर दी है अपने ग्रुप में, वहाँ पैसेज का एक चैप्टर है, डेली आप एक चैप्टर लगा लो पैसेज का, देख लेना। मैं पैसेज का भी लगवाऊंगा वैसे टेस्ट सीरीज में, एक दिन लगवाऊंगा हिंदी का गद्यांश, एक दिन पैसेज, ठीक। तो आपको अच्छे से मेहनत करनी है और जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी कर लो, क्योंकि यार मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि गला काट कंपटीशन चल रहा है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो जो पढ़ रहे हैं वो आपसे सीट आपकी ले जाएंगे, ठीक। तो हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता और पॉलिटी में भारत का संविधान और हिंदी में विलोम शब्द और राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय दिवस और एक गद्यांश आपको लगाना है। इतनी चीज़ें ईमानदारी से पढ़नी पड़ेंगी आपको अगर आपको सिलेक्शन चाहते हो कि मेरे जो पैट के स्कोर है वो 75 से 80 के बीच में आ जाए। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में टारगेट के साथ। जब टारगेट कंप्लीट कर लो तो कमेंट कर देना, भैया आज का टारगेट कंप्लीट हो गया, अगला टारगेट आप दो, ठीक। पढ़ते रहो, और मुझे पता है जो मेरी वीडियो देख रहा है अभी उसका कहीं हुआ नहीं है,
जल्दी हो जाएगा, मेहनत करते रहो। मेहनत के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पढ़ना आपको ही है, जॉब आपको ही लेनी है। ठीक, अभी ले लो या 2 साल बाद ले लो या 4 साल बाद ले लो, जितनी जल्दी ले लोगे उतने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती चली जाएंगी। ठीक है ना, मिडिल क्लास के अलावा, जॉब के अलावा कोई ऑप्शन रहता ही नहीं। ठीक, आज की बातें इतनी, मिलता हूँ अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।